ये देखिए यहाँ पे चांदपुर घड़ी में जो ये किला है, किले का बहुत ही सुंदरता से निर्माण हुआ है। और आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए ये होल्स, ये किले के यहाँ पे होल्स बने, जो आपको ये जैसा जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला है, जैसलमेर का किला है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेंगे ऐसे किले के टॉप पे ये फायरिंग के लिए, जैसे जब दुश्मन आपके ऊपर अटैक करे तो ये फायरिंग के लिए ये मोर्चे हैं। और ऐसे ही हर जगह पे यहाँ पे वो बने हैं किले के पहरेदारी के लिए। ये देखिए बाकी यहाँ पे देखिए अभी सोलर लगाया गया है, ये पुरातत्व विभाग की तरफ से लाइट की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं घूमने हेतु। ये देखिए ये सीढ़ी, पत्थर की सीढ़ी, देखिए कितनी बड़ी सीढ़ी है, आप इसका इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे कि ऐसी सीढ़ी, इतनी भारी सीढ़ी कौन उठाएगा। और अब मैं आपको किले के पिछले हिस्से में ले चलता हूँ। देखिए किले का जो पिछला हिस्सा है, ये देखिए कितने सुंदर, उस ज़माने के देखिए कितने सुंदर से बैठने के लिए जैसे मतलब कुर्सियाँ बनाई गई हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे आपको दिखा दें, ये देखिए नीचे जो एज ए जैसे कॉन्फ्रेंस के लिए बनाया गया हो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सुंदरता से ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये है चांदपुर गढ़ी के परमार राजाओं का किला, जो कि 700 या 800 ईस्वी में था। और उसके बाद परमार राजाओं ने अपनी राजधानी यहाँ से चांदपुर गढ़ी से बदलकर श्रीनगर कर दी थी। बाकी मेरे सामान्य ज्ञान में आपको किसी को भी कोई अमेंडमेंट या कोई लगे कि मेरे सामान्य ज्ञान में कुछ त्रुटि है तो क्षमा करें। ये देखिए ये उस ज़माने के ये पत्थर हैं, उन पर नक्काशी की गई है, बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। आज ये सिर्फ आज ये लुप्त, ये चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं, आज हमारे पास इनके कोई कारीगर नहीं है। दोस्तों ये है चांदपुर गढ़ी का किला, जो कि परमार राजाओं का था। और यहाँ पर कनकपाल द्वारा ये राज किया गया है इस जगह पे, इस ज़िले में। और ये पूरा चमोली ज़िला है। और ये ऊपर देखिए पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर सी पहाड़ियाँ, ये चीड़ के जंगल के बीच में ये पूरा किला है। धन्यवाद, आपको फिर दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही मिलूँगा।